हेलो दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। सेकंड स्ट्रेट डे यहां पर 17.5% से ज्यादा की बेहतरीन रैली आई है। 195 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 28 रुपए का स्टॉक हमारे सामने हो चुका है। जिन लोगों ने 18 रुपए 19 रुपए पर बाइंग की थी, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये क्या प्रॉफिट रिपीट हो सकता है? क्या 28 रुपए से स्टॉक हमारा 38 रुपए 48 रुपए तक जा सकता है या नहीं? अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कितना असर इस स्टॉक के मूवमेंट पर पड़ेगा? बाजार को लेकर के क्या खबरें हैं हमारे सामने? कल से किस तरह का बाजार रहने वाला है और उसका कितना असर आलोक इंडस्ट्रीज के चार्ट पर और मूवमेंट पर होने वाला है, वो बात करेंगे इस वीडियो में। क्या यहाँ पर खरीदारी करके अभी भी पैसा बनाया जा सकता है आलोक में, या एवरेज करके प्राइस मतलब और ज्यादा खरीदें, इसे एवरेजिंग करें, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा माल उठाएं यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक अब भाग रहा है तो कहाँ तक भाग सकता है? बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आलोक इंडस्ट्रीज की, तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने। चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन बनाया था इस स्टॉक ने। अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करो तो कल का भी चार्ट बहुत अच्छा था। शुक्रवार की बात करें तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, मॉर्निंग में बहुत अच्छी शुरुआत थी 25.85 रुपए की। उसके बाद अच्छा एक हाई लगाया स्टॉक ने, एक गैप अप ओपनिंग भी शोर दी यहाँ पर, आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न में भी वो चीज कि काफी गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई दिया था। सिंपल चार्ट में आप वो चीज देख सकते हो कि स्टॉक ने सस्टेन किया है उसी लेवल पे, बहुत ज्यादा डिप नहीं आया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। अक्सर अक्सर क्या होता है कि स्टॉक जब ऊपर जाता है तो उसके बाद अक्सर प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने को मिलती है, स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट यहाँ पर जो दिन की मूवमेंट थी वही आई थी। वॉल्यूम कम हुआ था बीच में, उसके वही बड़ी वजह थी कि थोड़ा सा गिरावट में जरूर देखने को मिला, बट उसके बाद स्टॉक ने अच्छा पिकअप किया एट द एंड ऑफ द डे। दोबारा से वॉल्यूम लौटता हुआ दिखाई दिया बाजार में और बाजार का पुश स्टॉक में मिला और स्टॉक में अच्छी रैली आई है। और ऐसा नहीं था कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ी खबर रही हो या मार्केट का पुश रहा हो, क्योंकि मार्केट खुद इनडिसिसिव बिहेव किया था कल, बट क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है हमारे सामने चार्ट पैटर्न में भी वो चीज आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। और चार्ट में RSI की बात करें तो ओवरबॉट जोन में जरूर है हमारा, उसका क्या मतलब है उसकी भी बात करेंगे, बट अभी आप देखोगे तो आलोक इंडस्ट्रीज एक परफेक्ट बाय बन चुका है आपके लिए और खरीदारी करके एक अच्छा ऑप्शन है। जो बात हो रही थी आलोक इंडस्ट्रीज में कि लगातार यार गिरावट होती है स्टॉक में और स्टॉक कहीं भी नहीं जा रहा है, यानी कि उसी रेंज में है काफी टाइम से, आपको अगर याद हो 23 रुपए से लेकर के 18 रुपए के बीच में ही स्टॉक हमारा ट्रेड करता दिखाई दिया था। जैसे ही 24 रुपए का लगाया स्टॉक ने हाई, उसके बाद देखिए 28 का लगाया हाई, लगातार स्टॉक में एक अच्छी रैली है और लगातार इसमें बाइंग आ रही है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूम दोनों ही दिन का, कल का भी आप देखिए शुक्रवार का 195 मिलियन का वॉल्यूम है और उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 125 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था, ठीक है। दोनों ही दिन 100+ मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो खबरें अच्छी है हमारे सामने, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि रीजन क्या है, बढ़े हुआ क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी से। Q4 वगैरह बहुत अच्छा नहीं आया था, उसके बाद स्टॉक न्यूट्रल जोन में गया था, उसकी कोई बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। जो बात है वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और अनलॉक के बाद हमें पता था कि कुछ सेक्टर्स हमारे जो बहुत तेजी से गिरावट में आए थे जब लॉकडाउन लगा था हमारा या न्यूट्रल जोन में चले गए थे, वो अब यहाँ से तेजी में आ सकते हैं। और आलोक इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल सेक्टर उनमें से एक स्टॉक एक सेक्टर हमारे सामने था। अभी यहाँ पर क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया, तो पहला रीजन तो वो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर को पुश मिलने का। दूसरा बड़ा रीजन रहा है कि पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है जियो मार्ट को लेकर के। आप जानते हैं कि रिलायंस को लेकर के काफी ज्यादा खबरें बनती रहेंगी, काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है क्योंकि रिलायंस एक बड़ा पार्ट है, पेरेंट कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज की, और रिलायंस का जो विजन इस समय पर ई कॉमर्स में आने का वो सस्टेन करेगा आलोक इंडस्ट्रीज के थ्रू। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर बताना इंपॉर्टेंट है कि फैशन इंडस्ट्री पर, फैशन इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सेकंड बिगेस्ट चीज यहाँ पर जो खरीदारी की जाती है वो फैशन में होती है हमारे, ठीक है। और यही एक बड़ा कारण है कि ई कॉमर्स में आने का बाद आलोक इंडस्ट्रीज को अक्वायर करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सस्ती थी, बैंकक्रप्ट होने वाली थी, और ऐसे में रिलायंस ने इसको बाय किया है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करके रिकवरी में डाल के रिलायंस का पूरा प्रयोग करने वाला है, पूरा यूज करने वाला है। जियो मार्ट मुंबई में लॉन्च हो चुका है अगर आपको नहीं पता है तो, एंड अब धीरे धीरे करके इसको पूरा इंडिया वाइड लॉन्च करने की प्रक्रिया चालू है। लॉकडाउन नहीं लगा होगा तो मे बी इस होली के आसपास वहां पर लॉन्च करने का पूरा प्लान था, धीरे धीरे करके किया जाएगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है क्या नहीं वो आगे पता लगेगा। आलोक इंडस्ट्रीज को इससे काफी पुश मिलने वाला है ये तय है हमारे सामने, और यही बड़ा कारण है कि जब भी रिलायंस में एक अच्छी डील होती है जियो मार्ट को लेकर के खबर आती है तो आलोक इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्टॉक एट दैट टाइम।
तो ये तो बात रही कि ग्रोथ क्यों हुई, क्या अभी भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है। देखो पब्लिक शेयर होल्डिंग भले ही यहाँ पर कम हो, बट FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था, जो कि काफी टाइम बाद था। पूरा 3 क्वार्टर इन लोगों ने कुछ नहीं खरीदा है यहाँ पर। इस क्वार्टर में बहुत अच्छी खरीदारी यहाँ पर FII की तरफ से हुई थी। और जब मार्च के डेटा आए थे तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आलोक इंडस्ट्रीज में FII ने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, कुछ तो बड़ा यहाँ पर होने वाला है, और वो हुआ भी। आप देखिए रिलायंस यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% यहाँ पर शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं ये, और एक तरह से मालिक है ये इस कंपनी के। और यही एक बड़ा कारण है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो रिलायंस के हाथों में है, RIL के हाथों में है, और जियो मार्ट इनका एक मोस्ट इनोवेटिव एक प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर आलोक इंडस्ट्रीज को यूज किया जाएगा। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह है ये, लंबे समय के लिए खरीदारी करो, शॉर्ट टर्म के लिए ना करो तो बेहतर है। बाजार के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बाजार के मूवमेंट इस हफ्ते ठीक रहने वाली है। 15840 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है हमारे सामने। स्टॉक मार्केट ने 15800 15805 को चेस किया था, सस्टेन भी किया था मॉर्निंग में, बट उसके बाद गिरावट हुई, और गिरावट के बाद इस मार्केट हमारा लोअर एंड पर बंद हुआ। 15800 मान सकते हैं आप हालांकि, बट इतना अभी यहाँ पर क्योंकि कई बार यहाँ पर मल्टी टाइम टच हो चुका है ये बेयर लाइन, कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 15840 के ऊपर ये क्लोजिंग चाहिए हमें, और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो स्टॉक मार्केट एक अच्छी रैली में आएगा, और उसका असर भी आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर देखने को मिलेगा आपको। बाकी दूसरी जो चीज है FII DII का डेटा, कल का डेटा यानी शुक्रवार का, दोनों की तरफ से अच्छी खरीदारी आई थी। FII ने थोड़ा यहाँ पर बिकवाली ओवर कर दी है, बट स्टिल बाजार को देखते हुए साफ तौर पर पता लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक मार्केट में कोई बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता है। ट्रेंड रिवर्सल कोई नहीं है यहाँ पर, अच्छी खरीदारी जरूर है यहाँ पर दोनों ही तरफ से। आप देखेंगे DII ने बाय वैल्यू 5200 करोड़ की है, और FII की भी बाय वैल्यू 5100 करोड़ की है यहाँ पर। तो ओवरऑल सेलिंग हुई है बट बाइंग भी अच्छी हुई है, तो उसका जो असर है वो पॉजिटिव रहने वाला है। खरीदारी करने की सलाह मेरी इसमें रहेगी, खरीदारी करके चलो, बाय करना तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए ना करो तो बेहतर है। 24 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है हमारे लिए। गिरावट होगी क्या? जी बिल्कुल गिरावट होने वाली है, ऐसा कोई नहीं है गिरावट नहीं होगी। ओवरबॉट जोन में RSI है हमारा, और RSI जब भी ओवरबॉट जोन में होता है तो गिरावट होती है। हालांकि डिमांड बहुत अच्छी है तो कल ही गिरावट नहीं होने वाली, मुझे लगता है कि एक आध दिन की रैली यहाँ पर बरकरार रहने वाली है। मार्केट में जब तक वीकनेस नहीं दिखेगी तब तक गिरावट के आसार नहीं है, तो बाय करके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 31.3 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है यहाँ पर, मुझे लगता है कि हफ्ते में ये ब्रेक हो सकता है अगर बाजार हमारा सपोर्ट करता है तो। MACD हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपवर्ड है, बाइंग का चार्ट पैटर्न है, खरीदारी करने की मेरी सलाह है। बाय करना तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना, स्टॉक को अच्छा स्टॉक है और वॉच लिस्ट में डाल के चलोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस अगेन कुछ पूछना हो, कुछ भी किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हो तो प्लीज सजेस्ट अस, एंड अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।